अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको मेज़बान इनाम अंसारी यूनिवर्सल टॉपिक से। आज की वीडियो के अंदर भाइयों को कामरान समन कैटल एंड गोट फार्म का विज़िट करवाया जाएगा। भाई मेरे पास मौजूद हैं, तो ये वीडियो एक यूनिक वीडियो होगी। इसके अंदर आपको खूबसूरत बछड़े दिखाए जाएंगे और इन कामरान समन कैटल फार्म पर जो फीडिंग प्लान है वो भी बताया जाएगा। भाई के पास चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई जन, ये बताइएगा कि आपके फार्म पर इस वक्त कितने बछड़े मौजूद हैं और कितनी बछड़ियाँ मौजूद हैं? टोटल माल हमारे पास 150 खड़ा है अभी। अच्छा माशाल्लाह, टोटल माल जो है वो 150 खड़ा है। थोड़ा सा ऊँची बोलिएगा, कौन कौन सी नस्ल के जानवर खड़े हैं हमारे पास? गुलाबी में है, ब्राह्मण में है, प्योर ब्राह्मण देसी है, साहिवाल में है और क्रॉस थरी में। अच्छा ये बताइएगा, इन बछड़ों को आप जो खुराक दे रहे हैं, फीडिंग प्लान है वो क्या है? अट्टी दे रहे हैं, दलिया दे रहे हैं उनको, चोकर दे रहे हैं, छिलका दे रहे हैं उनको, और गर्मियों में भी चल रहा है दही तेल चल रहा है माल को। अच्छा ये बताइएगा, ये जो बछड़ा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बछड़ी है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बड़ी इसकी हाइट है, ये कितने दांत है? ये 4 दांत है। 4 दांत है। नस्ल कौन सी है? ब्राह्मण में। प्योर ब्राह्मण में है या क्रॉस में? प्योर है। अच्छा प्योर है। इसकी कीमत क्या है? 35 लाख रुपये। 35 लाख रुपए में ये बिक जाएगी? हाँ बिक जाएगी। भाई जान इसको ज़रा थोड़ा सा चला के घुमा के दिखाइएगा ताकि पता चले इसकी खूबसूरती का। और पीछे से बछड़े लेके आए जो खूबसूरत हैं माशाल्लाह जी। बछड़ी आप चेक करें भाई, माशाल्लाह उसको दिखा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत बछड़ी है, बहुत ही प्यारी बछड़ी है माशाल्लाह जी। अच्छा भाई जान इधर मेरे पास आए, ये बताएं 150 बछड़े बछड़ियों के लिए आपने कितने यहाँ पर वर्कर हैं जो काम करते हैं? हम 20 बंदे। 20 बंदे, वो क्यों? माल पे लगे हैं, 150 माल है, मंडी भी जा रहा है, अभी मंडी में भी माल खड़ा है। अच्छा 20 बंदे हैं आप और 150 बछड़ा है, तो ये बताएं कि कितने जानवर जो हैं वो आपने सेल कर लिए हैं? सेल तो माशाल्लाह बहुत काफ़ी कर रहे हैं, ये सेल तो रोज़ चलती रहती है, अभी मंडी के बाद भी जो है सेल होती रहती है। सही है। अच्छा ये एक और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और आउट क्लास बछड़ी आई है, इसका वज़न बताइएगा कितना होगा? वज़न होगा 12 मन 13 मन। 12 से 13 मन, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। दांतों से कितनी है ये? 4। 4 दांतों से है। कीमत क्या है? कीमत 25 लाख रुपये। 25 लाख रुपये। भाई जान इसको थोड़ा सा घुमाइएगा और चलाइएगा। लें जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बछी है जी, बड़ी ही प्यारी है, तैयारी आप भाई चेक कर सकते हैं। ये कामरान समन कैटल एंड गोट फार्म के जानवर हैं जो आप भाइयों को दिखाए जा रहे हैं। गुलाबी नोज़ है इसकी, बहुत ही पसंद की जाती है ये बछड़िया, गुलाबी नोज़ वाली। इसके बाद एक और बड़ी हाइट वाली बछड़ी आएगी। भाई जान आप लेके आए ज़रा, ये जो बछड़ी एक और आ रही है इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, इसका कद बहुत ज़्यादा है। कौन सी नस्ल की है ये? अबलक है, पंजाब की है। अबलक है, कलर अबलक है। वैसे ये ब्रीड कौन सी है, नस्ल कौन सी है? ये पंजाब की नस्ल है, कोई ब्राह्मण में। थोड़ी ऊंची बोलें। ब्राह्मण में। ब्राह्मण में है, पंजाब की नस्ल है। दांत कितने हैं? ये 4 दांत है ये भी। अच्छा ये भी माशाल्लाह 4 दांत है। इसकी कीमत क्या है? 30 लाख रुपये। 30 लाख रुपये। भाई जान इसको थोड़ा चलाइएगा, इसको चलाइएगा थोड़ा सा ताकि पता चले। देखें जी माशाल्लाह हाइट देखें बछड़िया की, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही वजनी है और ऊंची लंबी हाइट वाली बछड़िया है, आप भाइयों के सामने है। आए सुल्तान साहब थोड़ा सा आगे आ जाएं, भाई जान आइएगा। अच्छा ये आपके फार्म पे छोटे बछड़े खड़े हैं, कद में बिल्कुल छोटे हैं, ये ज़रा दिखाइएगा। ये बछड़ी है, बछड़ा इसको उठाइएगा, मारना नहीं है वैसे ही उठाइएगा। ये दो बछड़े खड़े हैं जी, माशाल्लाह हाइट आप इनकी देख सकते हैं। कितने पैसे इनके डिमांड कर रहे हैं आप? भाई इसके 25 लाख रुपए और इसके 8.5 लाख रुपए। उसका 25 लाख क्यों है? वो खूबसूरती में थोड़ा ज़्यादा मुंह, एक छोटा सा मुंह है, कुछ छोटा पांव छोटे हैं, गोल सा बना हुआ है। अच्छा तो इनका कोई रेट लगा है? रेट लगा है इनका। कितना लगा है? 16 लाख रुपये। इसका 16 लाख दिया लगा है, तो आपने क्यों नहीं दिया ये माल? नहीं वारे में नहीं है जी, वारे में नहीं आया, इस माल नहीं दिया। अच्छा ये बछड़ा इसका 16-17 लाख आपको लगा है लेकिन आपके बारे में नहीं आ रहा, तो आपने इस वजह से ये नहीं बेचा। कितने में देना है? 20 लाख रुपए में। इससे कम नहीं देना? नहीं। तो ये जो है 8.5 लाख रुपए जिसके मांगे हैं, इसका क्या लगा है? 5 लाख रुपए। अच्छा 5 लाख रुपए लगा है। लें जी ये 20 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं इस बछड़े की, इसकी हाइट बिल्कुल छोटी है, 16-17 लाख रुपए वो कहते हैं जी हमें लगा है। आपके सामने है इसकी हाइट, इसका कद,
इसके अलावा एक मुझे ब्राह्मण बछड़िया नजर आ रही है, बहुत ही खूबसूरत और वजनी। उसकी तरफ चलते हैं और भाई से पूछते हैं कि इसकी क्या डिमांड है, क्या रेट है। ये आप भाइयों के सामने है, आप देख सकते हैं। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं, ये जो ब्राह्मण बछड़िया है? ये ब्राह्मण बछड़िया इसकी 30 लाख रुपए डिमांड है। दांतों से क्या है ये? दांतों में 6 हो रही है। दांतों में ये 6 हो रही है, तो वजन कितना होगा? वजन होगा 15-16 मन होगा। अच्छा, तो ये एक और साथ वाइट कलर की बछड़िया खड़ी है, तो इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं आप? ब्राह्मण है ये, 30 लाख रुपए इसके भी मांग रहा है। अच्छा, ब्राह्मण बछड़िया है, 30 लाख रुपए आप इसके भी मांग रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। दांतों से क्या है ये? 6 हो रही है ये भी। अच्छा माशाल्लाह, दांतों से 6 हो रही है। तो ये बताइएगा, ये एक छोटी बछड़िया मौजूद है, ये दो दांत हो चुकी है? जी हाँ, ये दो दांत हो चुकी है, नुकरी है। अच्छा, ये नुकरी है माशाल्लाह जी, नुकरी बछड़ी आप चेक कर सकते हैं, थोड़ी सी छोटी है दूसरी बछड़ियों की निस्बत। तो भाईजान, इसकी कीमत क्या है? 18 लाख रुपए। 18 लाख रुपए, ये आप कीमतें 18 लाख 20 लाख 30 लाख, 2-3 लाख वाला जानवर नहीं आप रखते? नहीं। वो क्यों? 2-3 लाख वाला नहीं है अभी। लें जी, कामरान सम्मन फार्म पे हमने इन्फॉर्मेशन लेकर आप भाइयों को दी है, सारे जानवर 20 लाख 25 लाख 30 लाख 45 लाख 40 लाख इस तरह की डिमांड कर रहे हैं। ये एक और बड़ी हाइट वाली बछड़िया मौजूद है। कराची में और भी फार्म विजिट किए हैं, लेकिन बछड़ियाँ जो हैं वो ज़्यादा कद वाली, ज़्यादा हाइट वाली यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अच्छा भाई जान, ये जो बछड़िया है, ये नस्ल भी बताएं इसकी, इसके दांत भी बताएं। इसको तामड़ी बोलते हैं, तामड़ी नस्ल है, पंजाब की है, और जो है इसकी भी 30 लाख रुपये मांगते हैं। दांत कितने हैं इसके? दांत 4 है। 4 दांत है। लें जी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन कामरान सम्मन भाई ने दी है, कामरान सम्मन कैटल फार्म की टीम की जानब से दी गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज की वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और मालूमाती है, ये अपनी नुयत के इतबार से यूनिक है। आज के लिए इतना ही, अपने मेज़बान इनाम अंसारी को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। कितने मिनट हुए? बड़े हो जाओ ना।